बायोलॉग फ्रॉम सीजन 3 खत्म होते होते सीजन 4 के लिए बहुत से सवाल छोड़कर चला गया है। इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिनका कोई क्लू भी नहीं है, देखने में एक बार के लिए बेतुकी लग रही हैं या फिर एक नया स्टोरी बिल्डअप ले सकती हैं सीजन 4 में। तो आज इन्हीं कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, खासकर एंडिंग को एक्सप्लेन करके अच्छे से दोबारा से कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक लाइक से भरपूर प्यार बना के रखो और बाकी चैनल की वीडियोज को भी भरपूर सपोर्ट दिया करो, क्योंकि यू ऑल आर अमेजिंग ऑडियंस। शुरुआत करूंगा एक दो सॉलिड कमेंट से जो काफी इंप्रेस करके गए पिछली दो वीडियो में। भाई बहुत ही प्यारे कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, और आपका ये एंगेजमेंट बहुत इंस्पायर करता है मुझे आगे के काम के लिए। लाइक ये चीज मुझसे भी मिस हो गई, वो स्माइली को भागने वाली बात को लेकर। बॉयड ने यह मेंशन किया था कि मॉन्स्टर पहले भाग सकते थे लेकिन इस टैलिस्मैन पत्थर के बाद वो स्लो हो चुके हैं, या फिर स्लो मोशन में मजे ले रहे हैं हम सबसे। दूसरा, मैन इन येलो को लेकर था, उसे कुछ लोगों ने ऐसे डिफाइन करा कि कहीं मैन इन येलो फ्यूचर फॉर्म का रैंडल तो नहीं है, जो एक बार के लिए बोलूं तो बाबा सेंस नहीं बना रहा। एक चीज और, मेकर ने ही पास्ट में ये मेंशन किया था अपनी स्टोरी लाइन में कि इन मॉन्स्टर क्रिएचर से भी खतरनाक ऐसी चीज है जंगल में जो इस जगह को कंट्रोल करती है या फिर देखभाल करती है यहाँ की। तो बहुत लोगों के कॉमेंट आए कि शायद उस समय जो बात हो रही होगी वो मैन इन येलो के लिए ही हो रही होगी, तो ये बात सेंस बनाती है बाबा एक बार के लिए। लेकिन दिमाग खराब वहां हो रहा है कि मैन इन येलो की आखिर क्या दुश्मनी होगी जिम से, जो जिम को ही मारा आकर, वो भी सबसे पहले, वो जेड एंड टैबिथा को भी मार सकता था जिन्हें सब कुछ याद आ चुका है, और वो चीज इस मैन इन येलो को थ्रेट नहीं कर रही है, थ्रेट कर रहा है जिम। तो बाबा समझ रहे हो कुछ खास बात है जिम में, वो भी ये कहते हुए कि तुम्हारी बीबी को घर के नीचे गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था, तो मे बी मैन इन येलो इस प्लेस का कंट्रोलर हो और गड्ढा खोदने से टाउन की ज्योग्राफिक स्टेट में गड़बड़ होने लगेगी, जिससे मे बी पैरेलल यूनिवर्स के लिए रास्ते खुल जाएंगे जो डेफिनेटली टाइमलाइन को डिस्टर्ब करने लग जाएगा। अगर ऐसा है तो मैन इन येलो अब तक कहां था, सीजन 2 से ही वो गड्ढा खुद चुका है। मैन इन येलो ने ये भी कहा कि मैंने वार्न किया था बट जिम ने ध्यान नहीं दिया, दैट्स वाई कि वो गुस्सा मैन इन येलो का जिम की जान लेने पर ही शांत हुआ होगा, क्योंकि जिम रोक सकता था ये तो है, पर उसने रोका नहीं टैबिथा को। इस चीज को और इंटरेस्टिंग जूली ने बनाया ये कहकर कि यही वो टाइम था शायद जब ये सब स्टार्ट हुआ था। तो क्या स्टार्ट हुआ होगा, मेबी टाइम ट्रेवल स्टार्ट हुआ होगा इन फ्यूचर, जिससे कि उन आंकुई किड्स की हेल्प करी जा सकेगी, और उस गड्ढे का कहीं ना कहीं रोल होगा टाइम ट्रेवलिंग के लिए भी, और मैन इन येलो एक ऐसी सुप्रीम पावर होगा जो ये सारा सेटलमेंट की देखरेख करता होगा। लेकिन देखा जाए तो फ्यूचर जूली को भी इस मैन इन येलो के बारे में पता नहीं था, वरना वो मैन इन येलो को पहचान जाती, लेकिन जूली उसे देखकर सरप्राइज नहीं थी। जैसे जूली को भी इस पर्टिकुलर मैन इन येलो के बारे में नहीं पता था, बस इतना पता होगा कि मेरा बाप इस समय मरा था। तो फिलहाल के लिए ये कहना कि मैन इन येलो फ्यूचर से आया है ये सेंस नहीं बनाता। हाँ, एक इशारा वहां जा रहा है कि मे बी इस टाउन के लोगों को इमॉर्टैलिटी का लालच देने वाला यही मैन इन येलो होगा, और मे बी ये भी उसी जंगल में कहीं ना कहीं फंसा होगा, जो कर्स करा गया होगा कि जब जेड फार अवे बॉटल ट्री पर वॉयलिन बजाएगा तो उन आंकुई किड्स की मदद से जेड एंड टैबिथा को अपना पास तो याद आएगा, जो कि उस मदद टास्क में जेड एंड टैबिथा को रूट कॉज ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ मैन इन येलो भी आजाद हो जाएगा, यानी उसका भी कर्स खत्म हो जाएगा। यस बाबा, पॉसिबल है, क्योंकि देखा जाए तो अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल चुका है, आंकुई किड्स की हेल्प करना है, जो बहुत आसानी से ये लोग कर भी देंगे, क्योंकि टाइम ट्रेवल का रास्ता भी मिल गया है, डंजन प्लेस तो है ही है, मे बी जिम के घर का गड्ढा जिसे टैबिथा ने खोदा वो भी हो सकता है टाइम ट्रेवल के का जरिया। देखा जाए तो ये सब बहुत ईजी नहीं लग रहा है, और आसानी से हेल्प भी कर देंगे ये लोग, तो इन्हें रोकने के लिए, इन लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए कुछ तो करेगा ना मेकर। तो मैन इन येलो सुपर इमॉर्टल को भेज दिया गया जो दिन में भी निकल सकता है, और सीजन 4 में बिग थ्रेट साबित होगा सभी के लिए। दूसरा, विक्टर ने कहा था आंकुई किड्स की हेल्प करनी होगी जब वो अंदर केव में पत्थरों में लेटे होंगे सर्कुलर ऑर्डर में, और उनके ऊपर रूट्स का साइन बनेगा जिसमें वो आंकुई किड्स उन रूट्स में अपनी होप डाल देंगे, और वो रूट्स ट्री बनेंगे, तब हम आंकुई किड्स की हेल्प कर पाएंगे। भाई देखा जाए तो बहुत टफ टास्क है ये, आई डोंट नो मेकर कैसे इसको स्क्रीन प्ले में दिखाएगा, क्योंकि स्माइली मॉन्स्टर आ चुका है जो मोस्ट प्रोबेबली पहले से इवोल्यूटेड और काफी पावरफुल भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, मैन इन येलो जो दिन में भी निकल सकता है, तो ये मॉन्स्टर उन रूट्स को ट्री बनने कब देंगे, ये तो चाहेंगे ही नहीं कि आंकुई किड्स आजाद हो जाएं, क्योंकि इससे टाउन का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, और अगर देखें मैन इन
ग्रीन येलो यहाँ का कंट्रोलर है, यानी सुप्रीम पावर है, जो किसी भी टाइम जोन में जाकर ट्रेवल कर सकता है, तो वो तो चाहेगा ही नहीं कि आंकुई किड्स की हेल्प हो और ये यहाँ से आजाद हो। फिर कैसे टैबिथा और जेड इन आंकुई किड्स की हेल्प कर पाएंगे भला, क्योंकि मैन इन येलो और वो सारे मॉन्स्टर इनके आगे थ्रेड बन के सामने आएंगे ना। तब मेकर अपने हुक्म का इक्का चलेगा और मे बी तब पॉसिबिलिटी होगी कि जिम की उस लास्ट स्टेज पर जरूरत पड़ेगी। शायद जिम कोई ऐसी स्पेशियलिटी कैरी करता है जो इस लास्ट स्टेज को डिकोड करने के लिए हेल्प करके जाएगा, यानी ये लास्ट स्टेप कंप्लीट कराएगा। और बाबा तभी ये सारी चीज़ें सेंस बनाती हैं एक बार के लिए। फ्यूचर की जूली का आना और सिर्फ जिम को ही बचाना, एंड मैन इन येलो का सिर्फ और सिर्फ जिम को ही मारना, जबकि थोड़ी सी दूर में जेड एंड टैबिथा भी हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें मारना चाहिए था, ना कि जिम को, जो कि अभी तक पूरा यूजलेस कैरेक्टर देखने को मिल रहा था। बस हाँ, लास्ट में उन बॉटल ट्री को समझने के लिए जीनियस आइडिया दिया वो वायलिन एंड म्यूजिक नोट्स वाला। इससे पहले तो वो सिर्फ सर्वाइव ही कर रहा था, सिंपल सर्वाइव कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो जिम तो अब मर चुका है, तो क्या ये लोग फिर से फेल हो जाएंगे? बाबा मोस्ट प्रोबेबली और पास में टाइम ट्रेवल होगा और वहां से जिम को इस प्रेजेंट टाइम जोन में लाया जाएगा मे बी, ताकि इस लास्ट गुत्थी को सॉल्व करके इस टाउन के कर्ज को खत्म करा जाए। तभी ये सारी चीजें सेंस बनाती हैं, वो मैन इन येलो का जिम को मारना और उसी को प्रायोरिटी देकर मारना। तो अब मेरे हिसाब से मैन इन येलो का जिम को मारने की थ्योरी ये बनती है। बाकी आपके हिसाब से स्टोरी क्या हिट कर रही है जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपके द्वारा क्या प्रिडिक्शन चल रहा है सीजन 4 के लिए और ये जिम की मौत और मैन इन येलो का पर्टिकुलरली सिर्फ जिम को मारने को लेकर ही, क्योंकि ये चीज खल रही थी मुझे कि सिर्फ जिम को ही क्यों मारा? मेन तो जेड एंड टैबिथा है, और अगर देखा जाए तो मेकर को इस कैरेक्टर को हटाना ही था, चलो जिम को मारना ही था, तो सिर्फ टिली के जैसे सिंपली मार सकते थे। लेकिन मेकर ने ये एंगल दिया कि जूली इसे बचाने आई थी जस्ट लाइक टर्मिनेटर। तो बाबा मेरा थ्योरी यही बोलता है कि जिम का इन सभी कैरेक्टर से बड़ा रोल होने वाला है सीजन 4 में। बाकी इट जस्ट ऑल थ्योरी, असली कहानी तो सीजन 4 में ही पता चलेगी। तुम लोग भी अपना पॉइंट रख सकते हो और जरूर रख के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर कि आखिर क्या हो सकता है इसके बाद का एंगल तुम्हारे हिसाब से, यानी फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर स्टोरी। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड मिलते हैं बाबा नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी सारी गुत्थी सॉल्व नहीं हुई है, कुछ एक हिडन डिटेल्स और है जिन पे बात करना अभी बाकी है, तो आगे बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां तक पहुंच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने थॉट्स जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। मिलते हैं बाबा, जय हिंद।